सुशांत सिंह राजपूत केस में जो सुशांत की थेरेपिस्ट होने का दावा कर रही हैं सुजान, उन्होंने कल बरखा को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि सुशांत को क्या क्या बीमारियां थी, वो रिया के बारे में और सुशांत की बॉन्डिंग के बारे में क्या क्या सोचती हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रिया की जिस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है वो उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लग रही, क्योंकि वो जब रिया और सुशांत से मिली तो उन्हें लगा कि ये दोनों जो है बहुत ही अच्छे कपल है, बहुत अच्छे से रिया जो है ध्यान रखती थी, एक मदर फिगर की तरह थी सुशांत के लिए, और सुशांत उन्हीं के कहने पर जो है थेरेपी के लिए आता भी था। तो इन सारी बातों पर जो है अब सवाल उठे हैं, और इस बात को जो है अब उनकी बहन ने उठाया है, इट इज़ आउटराइट लीगल, क्या ये बातें लीगल हैं कि ये सब आकर जो है थेरेपिस्ट इस तरह के बयान जो है पब्लिकली दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो लॉ में जो है ये बात नहीं है कि आप जो है अपने पेशेंट की इस तरह की चीज़ों को डिस्क्लोज करें। हालांकि सुजान उनकी थेरेपिस्ट थी नहीं थी इस बात को लेकर परिवार ने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन सुजान ने बरखा को जो इंटरव्यू दिया उसमें ये दावा किया है कि मैं बहुत दिनों से ये सारी चीज़ें देख रही थी, मुझे लगा ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आके सारी चीज़ों को क्लियर करूँ, इसलिए मैं आकर बात कर रही हूँ। अब श्वेता ने एक बात उठाई है, वो कहती है इट इज़ आउटराइट लीगल, क्या ये बातें लीगल हैं, और उन्होंने नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया स्वामी और इष्करण भंडारी को टैग करके पूछा है। दरअसल एक खबर आई जिसमें उस बरखा के उस इंटरव्यू को टैग किया गया जो उन्होंने थेरेपिस्ट के साथ किया है, और एक ट्विटर पर एक यूज़र ने पूछा इज़ दिस लीगल डॉक्टर स्वामी, थेरेपिस्ट शेयरिंग सुशांत मेडिकल डिटेल्स एंड नॉट विद द पुलिस एंड आई डोंट थिंक फैमिली इज़ अवेयर कि इस तरह के उनकी कोई थेरेपिस्ट भी थी। तो अब जो है उसी पर श्वेता ने भी कहा कि क्या वाकई में ये बात लीगल है। वहीं आज विशाल ने जो उनके पति हैं एक बहुत बड़ा पोस्ट लिखा है और उस पोस्ट में ये बात लिखी है कि ये बात वो अपने ससुर पर छोड़ देते हैं कि वो इस पर लीगल एक्शन लेना चाहते हैं या नहीं, लेकिन एक बात साफ है जो सुजान ने आकर बातें की हैं और वो जो दावा कर रही हैं कि वो थेरेपिस्ट है, इस बात को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में सुजान वॉकर थेरेपिस्ट है या नहीं है सुशांत की, और अगर है भी तो आप जो है अपने पेशेंट की इस तरह की डिटेल्स क्या वाकई में इस तरह पब्लिकली कर सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। तो क्या परिवार मुझे लगता है इस बात पर लीगल एक्शन लेगा कि किस तरह से जो है उन्होंने आगे आकर पब्लिकली ये सारी बातें जो है शेयर की है कि सुशांत को बाइपोलर था, पैरानोइया था, और उनको लगता है कि अब ये समय आ गया है कि मेंटल हेल्थ पर बात होनी चाहिए, मेंटल इलनेस पर बात होनी चाहिए, और वो आगे आकर रिया को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं और सुशांत को जो जो बीमारियाँ थी जिनकी चर्चा हो रही थी उनके बारे में बात कर रही हैं। हालांकि सुशांत जो है इनके पास दो ही बार गए थे, दो ही महीने गए थे, और उन्हीं दो महीनों में जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्हें लगा, वो सारी चीज़ों को उन्होंने शेयर किया है।